सीएम योगी की सुरक्षा में लगी बड़ी सेंध, पुलिस प्रशासन के फूले हाथ, पांव हिल गया पूरा यूपी। योगी की सुरक्षा में फिर हुई बड़ी चूक, जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए दो आरोपी, मच गया हड़कंप। गोरखनाथ मंदिर में दूसरी बार हुई बड़ी चूक, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से हुआ बहुत बड़ा खुलासा। चंद सेकंड की भी होती देरी तो हो जाता बहुत बड़ा कांड, आखिर कैसे हो रही योगी की सुरक्षा में बार बार चूक। जी, सीएम योगी की सुरक्षा में एक बार फिर से लगी बड़ी सेंध, चारों तरफ मच गया हड़कंप। आनन फानन में दौड़े दौड़े आए गोरखनाथ थाने के पुलिसकर्मी। मामला सुन पुलिसकर्मियों की फूले हाथ पांव, होने जा रहा था बहुत बड़ा कांड। आखिर कैसे इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इतनी बड़ी चूक, आखिर क्या था आरोपियों के मन में, किन खौफनाक इरादों के साथ जिंदा कारतूस के साथ अचानक मंदिर में घुसे, मुख्य गेट पर कड़ी सुरक्षा के बीच आखिर कैसे घुसे आरोपी, क्या योगी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश का प्लान था, आखिर क्यों बार बार हो रही योगी की सुरक्षा में चूक, कौन है जो योगी के पीछे पड़ा है। आपको बताते चले कि जिस वक्त ये घटना घटी उस दौरान सीएम योगी मंदिर में ही मौजूद थे और उसी दौरान सुरक्षा कर्मियों को गोरखनाथ मंदिर में घूमने आए दो युवकों के बैग से जिंदा कारतूस मिला। बताते चले कि घटना बीते कल की है, जहां गोरखनाथ मंदिर के गेट पर जांच के दौरान झारखंड के दो युवकों के बैग से 315 बोर के दो कारतूस बरामद हुए। फिलहाल कारतूस मिलते ही सभी आला अफसरों को जानकारी दी गई, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर गोरखनाथ थाने पर लाया गया और कड़ी पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस आरोपियों के एक एक गतिविधि और कड़ी पूछताछ के जरिए मामले की पूरी जांच कर रही है, जिनमें गिरफ्तार आरोपियों से ये पूछा जा रहा है कि वो कब और कहां से आए और कहां कहां गए और किस किस से मिले। ये दोनों आरोपी झारखंड के बताए जा रहे हैं। इन सभी बिंदुओं की पड़ताल पुलिस कर रही है। इन दोनों के बारे में और भी जानकारी जुटाने के लिए और दोनों का किस किस से कनेक्शन है, इसके लिए यूपी पुलिस झारखंड पुलिस के साथ बातचीत कर रही है और हर एक तरीके से अंदर तक जाकर इसकी पूरी जांच कर रही है। वहीं घटना की जानकारी होने पर LIU और IB की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर दुश्मन लगातार अपनी काली नजर गड़ाए बैठे हैं। योगी आतंकियों के निशाने पर भी है, कई बार उनको धमकी भी मिल चुकी है। इससे पहले गोरखनाथ मंदिर में ही गोरखपुर का रहने वाला मुर्तजा रहमान अब्बासी दर्शन करने आए यात्रियों पर हमला कर चुका है, जिसके कनेक्शन कई बड़े आतंकियों के साथ मिले थे। इस वजह से पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है और कड़ी पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी गोरखनाथ मंदिर में घूमने आए सुरक्षा कर्मियों की जांच के दौरान कई लोगों के बैग से कारतूस और रिवॉल्वर बरामद हुए थे। वहीं हाल ही में बीते 15 जुलाई को गोरखनाथ मंदिर घूमने आए बिहार के एक व्यापारी के बैग से भी रिवॉल्वर और कारतूस बरामद हुआ था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। वहीं तीसरी घटना में भी युवक के पास से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेज दिया था। फिलहाल मामले की पूरी जांच चल रही है और अभी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।